प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी आज कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की। इसमें मेन मुद्दा जो आज का है ये रक्त झड़ूक है। रक्त झड़ूक में बसे हुए लोगों को सरकार की तरफ से या कई डिपार्टमेंट की तरफ से तंग किया जा रहा है, उस मसले पर आज हम कुछ कहना चाहते हैं। तो ये रक्त झड़ूक जो है यहाँ पर ये तकरीबन 1956 से यहाँ से लोग आबाद हैं और ये लोग शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट यानी बकरवाल, गुज्जर और कुछ सराज के लोग जो हैं यहाँ आकर बसे हुए हैं। इनको पहले बसाया गया, एक दफा यहाँ पर महाराजा करम सिंह, युवराज करम सिंह जब वो टूरिज्म मिनिस्टर थे बटोत डाबरला में आए, उनके पास ये मसला पेश हुआ तो उन्होंने कहा था कि भाई हम यहाँ किसी को बेदखल नहीं करेंगे। और उसके बाद क्योंकि ये रख जुड़ूक जो है ये महाराजा हरि सिंह के वक्त की एक रख है, शिकारगाह थी एक, तो ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है। इसको कुछ एरिया इसका फॉरेस्ट लैंड में लाया गया है, वो गलत ढंग से लाया गया है, बल्कि वो रख जुड़ूक का एरिया है, वो रेवेन्यू लैंड है, तो वहां पर लोगों को बसाया गया है। और तकरीबन यहाँ पर 400 कुंबा जो है ये बसा हुआ है। अब सोशल आप ये ब्लॉक डेवलपमेंट जो है ये लोगों को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो है उसके तहत उसको पैसा मिला। उनको पहले उन्होंने तहकीकात की कि कहाँ आपकी जमीन है, जमीनों की नकल दी गई और नकल पर उनको पैसा मिला और उन लोगों ने उस पैसे से अपना मकान रिहायश का जो बनाना शुरू किया। तो अब जब उन्होंने शुरू किया 1956 से लेकर आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सोया हुआ था, भाई इतने मकान 400 कुंबे बस चुके हैं उनको पहले ही नहीं बनाने दिया जाए। जब लोग ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मोस्टली ऐसा करता है कि जब चीज बनती रहती है तो तमाशा देख देते हैं और जब ये कंप्लीट होने पर होती है तो उस वक्त तो वो मुदाखलत करते हैं। अगर पहले शुरू से ही 1956 से ही लोगों को यहाँ पर न बसाया जाता तो आज ये मसला सामने नहीं आता। और फिर जब ये आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखता है उनको गवर्नमेंट का पैसा मिला है, गवर्नमेंट का पैसा वहां पर लग रहा है, उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, कानून के तहत जाके इंस्पेक्शन करनी चाहिए, भाई उनको पहले नोटिस दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि वहां पर जाकर जो औरतें खड़ी हैं, मर्द खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, उन पर पुलिस के जरिए लाठीचार्ज की जाए, ये बेइंसाफी है। ये एक डेमोक्रेसी में ये चीज जो है ये शोभा नहीं देती है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से, सरकार से ये पुरजोर इल्तमाश करते हैं कि इस रख जुड़ूक के मसले को सुलझाया जाए, कागजी तौर पर इसकी कार्रवाई की जाए और जो जमीन जहां पर उन्होंने मकान बनाए हुए हैं वो जमीन उनको अलाट की जाए। अगर उसके बदले में कोई नंबर आया हुआ है, अदल बदल हुआ है, तो रख जुड़ूक का फॉरेस्ट में किया जाए और जहां उनके मकान बने हुए हैं वो उनको दे दी जाए। हम ये कल जो पुलिस ने एक्शन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्शन किया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों पर पर्चा लग गया, लेकिन वो लोग जो है जख्मी हुए, मारपीट हुई, उनकी तरफ से पर्चा जो है पुलिस ने इनकार कर दिया, तो इसलिए उनकी तरफ से भी पर्चा लगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लाठी उठाना ये कानूनी नहीं है, नोटिस देना है, कानूनी कार्रवाई करनी है। मारपीट पर दोनों तरफ से पर्चा, पुलिस डिपार्टमेंट से कहते हैं कि उन लोगों का भी पर्चा लिया जाए।